स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1 अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है डाटा हैंडलिंग, मतलब हमें किसी भी डाटा को, कोई भी बहुत बड़ा डाटा गिवन होगा उसको कैसे हैंडल करना है, इसका मतलब है डाटा हैंडलिंग में। तो डाटा को हैंडल करना कि डाटा को हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है, डाटा को हमें किस तरीके से सेट करना है, डाटा को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, तो डाटा हैंडलिंग। तो इसके लिए सबसे पहले आता है पिक्चर, सबसे पहले आता है आपके पास पिक्टोग्राफ, मतलब हम किसी भी डाटा को किसी भी पिक्चर्स की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं। पिक्टोग्राफ मेरे पास, आपको मान लो अगर हमारे पास किसी भी, अगर 10 बुक्स है तो हम 10 बुक्स को हमें किस पे ड्रॉ करना है, पिक्चर की हेल्प से। तो हमें क्या करना है, 10 बुक्स बना देंगे यहाँ से, जैसे इस टाइप से अपने पास क्या होती है बुक्स, हम 10 बुक्स बना देंगे, 14 बुक्स 15 बुक्स, मतलब हमें डाटा को, अपने डाटा को किसकी हेल्प से ड्रॉ करना है, पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर्स की हेल्प से अपने डाटा को ड्रॉ करना है। सबसे पहला आता है आपका पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट आपके पास आता है बार ग्राफ, मतलब हमें अपने जो पिक्चर्स है, मतलब जो अपना डाटा है उसको बार ग्राफ की हेल्प से बनाना है, बार ग्राफ की हेल्प से इसको हैंडल करना है, यानी कि उसको सेट करना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, बार ग्राफ किस टाइप से बनता है, बार ग्राफ में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्लीपिंग लाइन, ये इस टाइप से हमारे पास होता है, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ से जीरो होता है, उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास जो आते हैं अपने लिख सकते हैं कि कितने मैन, उसके नीचे हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, जैसे आ गया 5, 10, 20, 30। तो फर्स्ट हमारे पास जैसे मैन के लिए, अगर मैं इधर बोलूं कि आपके पास बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमेन है, कि आपके पास मैन कितने हैं 5 है, वुमेन कितनी है 10, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आपके पास डाटा में बनाने के लिए पहला आपके पास 5 है, फिर 10 है आपके पास, फिर 20, 22, 30, मतलब इस टाइप से आपके पास एक गैप बनेगा। उसके बीच में हमारे पास क्या होनी चाहिए, विड्थ। तो बार ग्राफ के लिए बीच में क्या होनी जरूरी है, विड्थ, मतलब वो सेट लगातार वाला नहीं होएगा, तो क्या होगा उसके बीच में विड्थ जो है वो कॉमन आनी चाहिए सब में। नेक्स्ट आपका आता है पिक्टोग्राफ के बाद बार ग्राफ, उसके बाद आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ मीन्स, डबल बार ग्राफ मतलब किसी भी डाटा को अगर आप सेट कर रहे हो तो उसमें दो डाटा आपके एक साथ होने चाहिए, फिर डिफरेंस आएगा, फिर दो डाटा एक साथ, फिर गैप, फिर दो डाटा एक साथ, फिर गैप, फिर दो डाटा एक साथ, फिर आपका पास गैप, मतलब इसी तरीके से आपको गैप बनाते हुए चलना है। दो डाटा लगातार आएंगे आपके, जैसे ये आपके पास आ गए ये दो डाटा, फिर आपके पास गैप बनेगा, फिर डाटा आएंगे दो एक साथ, फिर आपके पास गैप बनेगा, फिर डाटा आएंगे, फिर आपके पास गैप, मतलब आपके पास डाटा के बीच में, दो डाटा के बीच में क्या होना चाहिए, गैप। उसके बाद आता है आपके पास हिस्टोग्राम। अब देखिए हिस्टोग्राम, बार ग्राफ में हमारे पास गैप था लेकिन हिस्टोग्राम में हमारे पास कोई भी गैप नहीं होगा। और हिस्टोग्राम की एक खासियत है, जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल जिधर भी गया ना, क्लास इंटरवल में ही बनता है हमारा हिस्टोग्राम, मतलब क्लास इंटरवल के लिए ही हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। अगर क्लास इंटरवल किसी भी डाटा में हमारा बनेगा तो वहां हमारा हिस्टोग्राम बनेगा ही बनेगा। तो हिस्टोग्राम के लिए देखिए, हमारे पास ऐसे डाटा हमारे पास रेगुलर चलता है, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है किसी भी तरीके का, तो कितना भी बड़ा डाटा बना लेकिन उसके बीच में कोई डिफरेंस, कोई विड्थ नहीं आएगी। उसके बाद आता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट आती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी कुछ भी गिवन होगा, तो उसके नेम वगैरह या मार्क्स वगैरह जो भी हमारे पास नेम हो गए, स्टोपर्स हो गए, कुछ भी गिवन, तो फर्स्ट में हमारे पास नेम। उसके बाद आता है इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे जो खास चीज होती है वो होती है टैली मार्क्स। सबसे खास बात क्या होती है इसमें कि टैली मार्क्स हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किससे शो करना होता है, टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स के लिए हमें देखिए नंबर्स को शो करना है, अगर 1 आए तो उसको 1 से शो करेंगे, 2 नंबर आएगा तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 नंबर आएगा तो 3 लाइन ड्रॉ, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेकिन अगर 5, 1, 2, 3, 4 तक तो सेम चलता है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 5 आ जाए तो हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4 तक और 5 हमारे पास 5 वाली लाइन क्या आएगी इसके ऊपर, स्लीपिंग लाइन की, इसके ऊपर हमें इसको कट करना है। उसके बाद अगर आपका 6 आए तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड आपके पास इसी तरीके से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें लिखना है 16 को, तो 16 को क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड आपके पास 16, मतलब हमें 4 के बाद एक कट लगाना है, उसके ऊपर वो 5 वाला कट होगा। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 में इसने बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए
for which to these, which these, sorry, would use a histogram to show the data. मतलब आप किस पे डाटा हिस्टोग्राम डाटा का यूज कर सकते हो, कौन सी स्टेटमेंट आपके पास कुछ गिवन है. देखिए फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है कि द नंबर ऑफ लेटर द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग. तो देखिए हिस्टोग्राम के लिए खास बात क्या बताई थी, अगर हम किसी भी डाटा में क्लास इंटरवल अगर होगा तो वो क्या बनेगा, हिस्टोग्राम. तो इसमें देखते हैं क्लास इंटरवल किसमें बन सकता है. तो देखिए इसने क्या है, नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन बैग. नंबर ऑफ लेटर, एक पोस्टमैन के बैग में बहुत सारे लेटर्स है और डिफरेंट एरिया, हर एरिया के मतलब उस एरिया के इतने लेटर है, उस एरिया के इतने लेटर. तो हर कंडीशन हमें गिवन है कि एक एरिया है उसके हमारे पास 10 लेटर है, एक एरिया है उसके 15 लेटर गिवन है, एक नेक्स्ट एरिया उसके 20 लेटर. तो इसके बीच में कोई क्लास इंटरवल नहीं आया हमारे पास, क्लास इंटरवल नहीं आया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम पे इसको शो नहीं कर सकते. नेक्स्ट देखिए इसने कहा है कि द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन ए एथलेटिक्स मीट. हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर, एक एथलेटिक मीट में हाइट वाले है हमारे पास, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर बहुत सारे कंपटीटर है जिसमें हाइट गिवन है. अब देखिए हाइट को हम लिख सकते हैं, मान लो हमारे पास मैंने हाइट ले ली कि 4.5 to 5 feet, कि हमारे पास 4.5 to 5 feet में कितने हैं, 10 है, 5 फीट में कितने हैं, 10 है हमारे पास. 5.5 to 5.5 feet में कितने हैं, 12 कंपटीटर है. 5.5 to 6 feet में कितने हैं, 14 कंपटीटर है. तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक डाटा की हेल्प से शो कर रहे हैं ना, एक क्लास इंटरवल बन रहा है कि इतने में इतने हैं. हमने डाटा कलेक्ट कर लिया कि मान लो हमारे पास भाई 4 feet to 5 feet में इतने हैं. आज इधर आ जाओ, हमने फ्रीक्वेंसी बना ली हमारे पास कितने, तो इस डाटा में आ रहे इतने इस क्लास इंटरवल में आ रहे, इतने इस क्लास इंटरवल. इसको हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट को हम हिस्टोग्राम पे प्लॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाई 5 companies. तो इसमें हम क्या क्लास इंटरवल बना सकते हैं, नंबर ऑफ कैसेट्स इन 5 companies, कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5. तो हम आसानी से बता सकते हैं, एक कंपनी ने इतनी प्रोड्यूस करी होगी, एक कंपनी इतने नंबर ऑफ प्रोड्यूस, ये तो हम ले सकते हैं कि 10 to 15 तो एक कंपनी ने करी, क्योंकि अलग अलग से हमारे पास दिया कि 5 companies है और नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस करी, तो इसमें हम नहीं कर सकते. अब 4 देखिए इसने कहा एक ट्रेन है, ठीक है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन. इसमें बताना है कि 7 सुबह के 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, रात मतलब शाम के 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स ने बोर्डिंग करी, कितने पैसेंजर्स वहां पे ठहरे. तो क्या हम इसको क्लास इंटरवल में कर सकते हैं, हम कर सकते हैं. हम पता लगा सकते हैं कि 7 से 8 में कितने पैसेंजर आए, 8 से 9 में कितने आए, 9 से 10 में हम सुबह से 7 का शाम के 7 का काफी टाइम लगेगा, तो हम आसानी से पता लगेंगे 7 से 8 में इतने आए थे, 8 से 9 में इतने थे, 9 से 10 में इतने थे, 10 से 11 के टाइमिंग में इतने थे. तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट, हिस्टोग्राम पे प्लॉट कर सकते, जिसका क्लास इंटरवल बनेगा वो हमारे पास हिस्टोग्राम पे प्लॉट हो सकता है. तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे. थैंक यू.